सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं खेल रही हूँ सोकर सुपरस्टार एक बार फिर से, और हम लोग अभी फ़िलहाल खेल रहे हैं आई थिंक लेवरकुज़न, पता नहीं यार ऐसी कोई टीम है, नहीं लेवरकुज़न नहीं खेल रहे हम, खेल रहे हैं पता नहीं यार, पता नहीं गाइस। तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो भाई चलो यार, हमारा यहाँ पे मैच भी शुरू हो चुका है और फर्स्ट लेवल है अपना, और यह नीस टीम है, पता नहीं कौन सी कहाँ की नीस, भाई काफ़ी अच्छी टीम है लग तो रही है। खैर हम मारते हैं यहाँ पे अपना पहला गोल विथ हीरोइक प्ले। तो यहाँ पे अपना पहला गोल नेट के अंदर जा चुका है। तो यहाँ पे हमने अपने टीममेट को पास किया है, और भाई बिल्कुल ही नज़ाकत से अच्छा पास दिया हमने, काफ़ी अच्छा वाला। और यहाँ पे एक और पास देते हुए, और ये पास थोड़ा सा आगे चला गया, खैर जानबूझ के आ गया। ओहो ओहो ओहो, गाइस द ड्रिबलिंग जो इस बंदे ने, जो इस प्लेयर ने की है, काफ़ी ही अच्छी तरीके से की है। लाइक मुझे तो लगा ये तोड़ ही देने वाला है भाई बॉल को, क्योंकि बॉल देखा नहीं पीछे, देखिए बंदा आगे चला गया, लेकिन ठीक है। तो अभी नया आ चुका है लेवल, और ये है हमारा पाकिस्तान वर्सेस जापान पाकिस्तान वर्सेज। चलो भाई अभी यहाँ पे पास कर दिया मैंने हीरोइक प्ले को, और भाई नेशनल टीम में तो हम काफ़ी अच्छे से खेलते हैं, मुझे तो जहाँ तक पता है हीरोइक प्ले। एंड यार अब इस सीरीज़ की भी आई थिंक सो एंडिंग काफ़ी ही क्लोज है, जब तक हम लोग रियल मैड्रिड ज्वाइन नहीं करते तब तक गाइस मुझे एक बार तो रियल मैड्रिड में खेल के देखना है कि कैसी आती है वो रोनाल्डो वाली फीलिंग। और ये तो अभी जाने वाला था भाई, अभी बस फेल होने ही वाला था लेवल, लेकिन ठीक है बचा लिया। समझ रहे हो यहाँ पर ड्रिबलर्स ही कितने, देख रहे हो मेरी टीम इतनी इनक्रेडिबल है, सोचो भाई। एंड यहाँ पे ये गोल मार दिया, ये अनबिलीवेबल था सच्ची, मुझे लगा अभी सेव हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ। तो सही बात है यार, एक बार हम लोग रियल मैड्रिड खेलने गए और क्या पता उसके आगे भी हमारे साथ कुछ अच्छा होना हो। तो हाँ भाई अभी 10 एपिसोड तो और चलेगी ये सीरीज़, बाकी फिर देखते हैं। क्या 10 एपिसोड और चलाना है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी एंडिंग क्लोज है। क्या पता कुछ हो ही जाए यार, क्या पता, कुछ पता थोड़ी है। तो यहाँ पे हीरोइक प्ले, एंड यहाँ पे गोल स्कोर कर दिया, लेट्स गो, सेव हो गया यहाँ पे, छोटे वाला सेव हो गया। तो अभी यहाँ पे हम गोल कीपर बने, एंड गोल कीपर्स तो आपको पता ही है कितने अच्छे अच्छे पास देते हैं, ये वाला पास जैसे कि काफ़ी लाइक क्या बोलूँ यार मैम, ये पास तो डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते हम लोग, काफ़ी मतलब बस इतना हमारा कि एक बंदा पास करेगा ठीक है, इतना आगे मार दिया कि भाई अभी तो काउंटर अटैक, सीधा काउंटर अटैक, लाइक अपनी जो गोल प्लेस होती है वहाँ से सीधा काउंटर अटैक, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार। चलो अभी यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे मैंने एक गोल मार दिया है, और ये लेवल पर कितने गोल मारने हैं भाई। वैसे अभी तक मैंने सिर्फ दो ही गोल मारे हैं ठीक से, ये दूसरा था ना या फिर पहला ही गोल था, आई थिंक तो दूसरा ही था। खैर जो भी है, अपन ने तीन गोल मारेंगे तो अपनी हैट्रिक आ जाएगी, दो मारेंगे तो ठीक है भाई, गोल्स में इजाफा, अपने करियर के गोल्स में इजाफा हो जाएगा। एंड अभी तक मेरे 1000 गोल्स कंप्लीट नहीं हुए, एंड जो कि मतलब रोनाल्डो के भी नहीं हुए, हो जाएंगे काफ़ी ही जल्दी। खैर अभी हमने कोई होंगे मेरे भी यार, लाइक ठीक है भाई लेट्स गो। यहाँ पे ये भी हो गया, एंड अभी है आपको तो पता ही है गाइस हमारी रिवायात, हमारे ट्रेडिशंस कि टीम का नाम पढ़ा जाए तो पढ़ो वरना नहीं पढ़ो, जानबूझ के पढ़ने की कोशिश मत करो। नहीं पढ़ा क्या, ठीक है। और यार ये कितना क्लोज था, ये अभी सेव हो मतलब होने ही लगा था, और इसमें मेरे प्लेयर ने ज़्यादा मुजाहमत भी नहीं की कि थोड़ा सा और तेज़ मार दूँ, थोड़ी सी और स्ट्रेंथ लगा दूँ, लेकिन नहीं, अपन ने स्ट्रेंथ नहीं लगानी, अपन ने बस जितना चाहे ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कैसा मार रहे हैं, कहाँ से मार रहे हैं, क्या एंगल है, क्यों है, किस लिए है, नहीं। एंड यार इस वाले लेवल में, इस वाले सीज़न में काफ़ी ज़्यादा म्यांमार के साथ अभी मारा अगला मैच, काफ़ी ज़्यादा सीज़न में लेवल्स हैं, एक 10-20 तो होंगे ही, और इतने सारे लेवल्स दैट मीन्स हमारी वीडियो भी थोड़ी लंबी होने वाली है, लाइक ठीक है 2-3 मिनट ही लंबी हो जाएगी, आई मीन 2-3 मिनट क्या लंबी होगी, 14-15 मिनट लंबी होगी, सही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा। एंड यहाँ पे यार बिल्कुल गोलकीपर के मुंह से हमने निवाला छीन लिया। सही बात है, ये कहना सही होगा, ये सही डिस्क्राइब किया मैंने। और यहाँ पे कॉर्नर्स तो आपको पता ही है,
कोई छीन नहीं सकता हीरो की प्लेस। अबे हेलो ब्रो, तू बाइसाइकिल किक तो हमारी थी यार, ये तो हमारा शिकार छीना है इसने, बाइसाइकिल किक छीनी है हमारी। एक्चुअली में बाइसाइकिल किक नहीं, बाइसाइकिल छीनी है हमारी, और इस बात का कोई लॉजिक नहीं है। कहने में क्या जा रहा है, लॉजिक बने या ना बने, ऐसे तो फिर माइनक्राफ्ट में भी कोई लॉजिक नहीं है, है क्या? कहीं कहीं होता होगा, लेकिन जब हम एक मुक्की नीचे से मारते हैं तो ऊपर से पूरा पेड़ रुक जाता है, तो इस हिसाब से नहीं है लॉजिक, लेकिन ठीक है। तो अभी हमारा यहाँ पे मैच नहीं पढ़ना, नाम नहीं पढ़ना, क्यों नाम पढ़ना इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, बाकी सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी मतलब आपके ओपोनेंट का आप जानते ही नहीं हो, आपको आइडेंटिटी नहीं पता आपका ओपोनेंट कौन है, कहाँ से है, किस लिए है, नहीं पता ना। मतलब आप समझो कि फ्रांस का पुर्तगाल से मैच हो रहा है, उसको पता ही नहीं फ्रांस को कि उसका मैच किसके साथ है, बस उसने देखा है कि भाई रेड रेड करके पहनी हुई है यूनिफॉर्म्स वगैरह, एंड बस फुटबॉल को भगा रहे हैं, यहाँ का गोल मार रहे हैं, यही बात है, यही एग्जांपल दे सकती हूँ मैं, और तो कोई एग्जांपल आ भी नहीं रही मेरे दिमाग में। और भाई नेशनल टीम में तो धूम मचाना आता ही है हीरो प्ले को, ये तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे मैनेजर के साथ सेलिब्रेट करते हुए, रेल में तो नहीं करते, क्या करते हैं, करते होंगे। एंड ये तो भाई अगर मैं वहाँ से मारती लगना नहीं था, लेकिन अगर मैंने वहाँ से मारा तो देख रहे हो यार, ये अगर गोल रेल्स में होते, रेल्स अगर ये गोल रेल में होते तो मज़ा ही आ जाता। नहीं, कॉर्नर्स तो आपको पता ही है हम कितने अच्छे से, मतलब कितने अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आप लोग तो पता ही है ना। आप लोग को अगर नहीं पता तो पता करो ना, करो पता अभी, क्या अभी करो। मैं फोर्स नहीं कर रही आप लोगों को कि आप मेरी पिछली सारी वीडियोस जाके देखो, मैं आपको फोर्स नहीं कर रही, मैं तो बस कह रही हूँ पता करो, कहीं से भी करो, कहीं इंटरनेट पर सर्च करो कि हीरोइक प्ले कैसे करता है कॉर्नर्स को एग्जीक्यूट, करो ना, सर्च करो जल्दी से, और अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। हमारे हीरोइक प्ले के अमेजिंग अमेजिंग गोल्स देखो चुप करके, ठीक है, हाँ कुछ तो करो ना, ठीक है। तो अभी हमें कुछ नहीं करना, अभी हमें बस गोल्स मारने के ऊपर ही ध्यान। ओ ये गया, हाँ ये गई, मुझे लगा अभी बॉल गई अभी प्ले से बाहर, लेकिन नहीं, जब तक हीरोइक प्ले के पाँव में बॉल है तब तक उससे कोई नहीं छीन सकता, ये तो वही बात होगी। अगर मेसी के पास पोजीशन है तो उससे बॉल नहीं छीन सकता, फिर चाहे वो कोई भी हो। एक सेकेंड, मैं अपने ही गोल पर, मतलब शुरुआत मैंने क्या, मतलब मैंने अपने गोलकीपर को खेला और फिर उसको दिया, और फिर अभी मैं अपना ही ऑन गोल करने लेके जा रही हूँ, क्या मतलब, ये कैसे हो सकता है, हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे नहीं, ओ बचा लिया एंड टाइम पे गाइस, ये तो अच्छा बचाया यार काफ़ी। एंड यहाँ पे अभी हम मारने लगे हैं गोल, एंड यप मुझे लगा सेव हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सेव नहीं कर सकते हम लोग, और हीरोइक प्ले का तो सेव नहीं कर सकते तुम लोग, करोगे तो तुम्हारे हाथ पाँव टूट जाएंगे और वो अपने आप ही टूटेंगे, इतनी स्पीड में लाइक 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारी बॉल की शूटिंग स्पीड होती है, ठीक है, हमारी फिनिशिंग स्पीड होती है, उस स्पीड को अगर तुम रोकने की भी कोशिश करो यहाँ, तुम्हारा सर या हाथ भी सब फूट ही जाएगा, लाइक तुम्हारा खोपड़ा फूट जाएगा, मैं सच्ची बता रही हूँ, और ये बात फैक्ट है। एक बार एक गोलकीपर ने क्या किया गाइस, रोकने की कोशिश की, बेचारा हॉस्पिटल मिला कल, मैं मिल के आई हूँ उससे गाइस, आपको तो पता ही है हीरोइक प्ले के सारे मैनेजमेंट मेरे हाथ में, बस जोक था ठीक है, जोक मैनेजमेंट वाली बात जोक थी, बाकी खोपड़ा फूटने वाली बात रेल थी, ये जोक नहीं था, क्योंकि मेरे पास इतने बड़े प्लेयर की मैनेजमेंट कहाँ से हो सकती है गाइस, तुम लोग ही बताओ यार, आखिर जिसने 900-800 गोल स्कोर किए हों, लाइक जिसकी जर्नी मैंने खुद अपने हाथों से नहीं अपनी आँखों से देखी हो, कैसे उस प्लेयर की मैनेजमेंट मेरे हाथ हो सकती है यार, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है भाई, मेरे हाथ में तो ये गेम प्ले भी मेरे हाथ में नहीं है, ये गेम प्ले हीरोइक प्ले के हाथ में है गाइस, हीरोइक प्ले कौन है, मैं हूँ समझ ही रहे हो, काफ़ी तिरछा है ये, और काफ़ी ही समझ रहे हो, काफ़ी ही ये समझने में आपका दिमाग खर्च हो सकता है, ठीक है, रिस्क तो है, रिस्क फ्री नहीं है, ठीक है, और अभी जाने वाली थी बोल, रिस्क फ्री नहीं है, इस बारे में सोचना, दिमाग खर्च करना, आप लोग पे अगर आप ये रिस्क लेना चाहते हो, रिस्क है तो इश्क है भाई, रिस्क लो, काम करो, रिस्क लो, सब करो। अगर से मुझे मेरी बकवास बंद करके गेम प्ले पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, हीरोइक प्ले तो जब से गोल ही स्कोर कर रहा है, मैं क्या करूँ, चुप करके देख ही रही हूँ, देख रहे हो तुम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से गोल स्कोर हो रहे हैं, ये अड़े 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 डिफेंडर को याद आ गया कि भाई नींद से जाग गया कि हाँ यार
कोई डिफेंड करने वाली चीज़ भी होती है। हीरोइक प्ले के पाँव में बोल नहीं थी इसलिए वो डिफेंड करने आ गया, वरना हीरोइक प्ले के आगे किसकी चलती है? मेरी तो नहीं चलती, तुम लोग की चलती है क्या? चलती होगी, तुम लोग के पास तो और भी ज़्यादा पावर है। एंड हीरोइक प्ले तो भाई हीरोइक प्ले काफ़ी हीरोइक, समझ रहे हो? और यहाँ पे भाई आखिर मुझे मतलब समझ रहे हो, मेरे पास ड्रिबलिंग नहीं है, हमें ड्रिबलिंग की ज़रूरत ही नहीं है एक्चुअली। मैं बताऊँ, हम किसी भी एंगल से कहीं से भी कितनी भी दूर कितने भी डिस्टेंस पे स्कोर कर सकते। हीरोइक प्ले डजंट नीड ड्रिबलिंग, ही डजंट नीड स्किल्स, ही जस्ट नीड इज शूटिंग, इज फिनिशिंग। ठीक है, वो फिनिशिंग है, ठीक है फिनिशिंग है, तो ड्रिबलिंग करने की ज़रूरत ही क्या है? मार दो बस, सीधा उठा के मारो, नहीं फ़र्क पड़ता ड्रिबलिंग से, मुझे भी नहीं पड़ता फ़र्क, किसी बस नहीं है ड्रिबलिंग तो नहीं है। एंड मैं सोची थी कि मैं उसको असिस्ट करूँ, मगर क्यों, अब करना ही पड़ेगा क्योंकि अब कोई रास्ता भी नहीं है। ठीक है, अब करना ही पड़ेगा। एक दो असिस्ट तो मेरे करियर में जाए ना, एक दो 10 असिस्ट तो मेरे पास मेरे करियर में होने चाहिए, वरना लोग सेल्फिश कहेंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और जब मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो मेरा हीरोइक प्ले भी उदास होगा, और चूँकि मैं नहीं चाहती तो असिस्ट भले एक दो ही हो, बताऊँगी उनको कि भाई मेरे को सेल्फिश काहे का बोल रहे हो, देख लो तुम लोग मेरे पास असिस्ट। और भाई ये क्या था भाई ये, ओहो लेट्स गो ट्रॉफी लिफ्ट करते हुए, ये बात हीरोइक प्ले, ये बात। सेल्फिश तो हम हैं ही हैं, सेल्फिश तो अपनी बचपन से ही हैं, आप लोग को तो पता ही है। भले हीरोइक प्ले को ड्रिबलिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब ड्रिबलिंग करता है ना हीरोइक प्ले तो करता है सच में। और यहाँ से मार सकते हैं एब्सोल्युटली, कुछ नहीं करूँ भाई ये तो। अरे यार ये क्या है ये भाई, इससे मरवाना पड़ेगा इस। चलो ठीक है, असिस्ट तो जा रहा है मेरे पास, नहीं जा रहा है असिस्ट, इसने भी नहीं मारा। लाइक हीरोइक प्ले ने कैसे मिस कर दी गाइस, थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा था, समझ रहे हो? थोड़ा यस इंसान है वो भी, मशीन थोड़ी है, हो जाता कभी कभार मिस। एंड चलो ये नहीं होगा मिस, ये तो मुझे पता था, ये ऑसम गोल था भाई, भूल जाओ भी जो भी हुआ वो मिस, भूल जाओ। एंड भाई आगे वाला भी टैकल, वो पास के कितना ही अजीबोगरीब पास था, वो वियर्डेस्ट पास एवर लेकिन वो पास हो भी गया बिल्कुल अच्छे से, मतलब यार ये तो अनबिलीवेबल गोल था। हीरोइक प्ले जस्ट फ्रॉम दिस 78 एंगल, आई मीन डिग्रीज, मैं क्या कह रही हूँ, डिग्रीज, हाँ डिग्रीज। और भाई वो बाइसाइकिल किक मार के डिफेंड कर रहा है गाइस, मेरी टीम के मेरे टीममेट्स कितने क्रेजी हैं यार। हीरोइक प्ले तो ठीक है, लेकिन जब हीरोइक प्ले के आसपास लोग गेम बनाते हैं ना, उसके टीममेट्स सारा उसको पास मतलब करके गेम पूरी बना के देते हैं, फिर हीरोइक प्ले जब एग्जीक्यूट करता है वो तो और भी मज़ेदार है। लाइक कम ऑन, उसे एक मेरा गोलकीपर एक पास देता है, वहाँ काउंटर अटैक हो जाता है, ये देखो ये पास देखो, एक बार दिया काउंटर अटैक। भाई मैंने कभी मतलब इतना नहीं किया अपने टीममेट्स को अप्रिशिएट, मगर आज कर रही हूँ। एंड फ्रॉम द 52 डिग्रीज यहाँ पे हमने भाई गोल मार दिया। एंड ये देखो ये पास, अरे भाई यार ये मेरे से नहीं लगता, वो सामने लेट गया, कह रहा तुम गुजरोगे तो मेरी लाश के ऊपर से गुजरोगे, वरना तुम्हें यहाँ से मैं गुजरने नहीं दूंगा वरना तुम मेरी टीम के अंदर मतलब मेरी टीम के लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं, गोलकीपर भी लाइक। यही होता है जब आप अपनी जान की परवाह नहीं करते और ऐसे ऐसे रिस्क लेते हो, जब हीरोइक प्ले के आगे लेट जाते हो और हीरोइक प्ले आपका सर फोड़ देता है। लाइक अगर मेरे पाँव में बॉल की जगह उसका सर होता तो भाई कुछ नहीं पता क्या होता गाइस, रेजिडेंट ईविल बन जाती है तो सही बात है खैर हमें गेम पे ध्यान देना चाहिए, जो कि हमारा मकसद है, काफ़ी ही अच्छा मकसद है ना, गेम पे ध्यान देना। एंड यहाँ पे भाई गेम पे ध्यान देते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, अच्छे अच्छे गोल्स, सेटिस्फैक्शंस एंड ट्रॉफी लिफ्टिंग देखने को मिलती है हमें, वैरायटीज गाइस, वैरायटी चीज़ें जब होती है ना वीडियोस में देखने में भी मज़ा आता है। और यहाँ पे असिस्ट हीरोइक प्ले का यार, कमाल का असिस्ट था, नहीं भाई देख लो। एंड सेलिब्रेशन भी बिल्कुल अगला रिस्पेक्ट कर रहा है कि भाई क्या असिस्ट दिया हीरोइक प्ले की, गोल्स असिस्ट तो उससे भी बढ़िया, मेसी बन रहा है यहाँ पे, मेसी शूटिंग में रोनाल्डो, असिस्टिंग में मेसी, जो कि काफ़ी कमाल की बात है। एंड अपना हीरोइक प्ले, स्किल्स में रोनाल्डो और ड्रिबलिंग में मेसी, काफ़ी मज़े की बात है ना ये,
एंड फैक्ट है फिर से ट्रॉफी लिफ्टिंग। तो मैंने कहा ना अपनी वीडियो एक ना एक कोई सॉकर सुपर स्टार की वीडियो में एक ना एक कोई ट्रॉफी लिफ्टिंग का सीन तो होता ही है, और वो मैं कट भी नहीं करती क्योंकि आप लोग को भी दिखना चाहिए कि हीरक प्ले कितना ज़्यादा क्वालिफाइड है भाई ये सब करने के लिए, कितना ज़्यादा क्वालिफाइड है। जैसा मैं कहती रहती हूँ कि हीरक प्ले के आगे तो फिर भाई गोलकीपर्स भी फेल ही हैं। देखा जैसे ये गोलकीपर लेट गया, वैसे इन सबको हम एक 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 करके सबके भाई चीथड़े फाड़ देते लिटरल। और बॉल जो होती ना वो कहती है कि मुझे हीरक प्ले के पाँव में जाना है। एंड कॉर्नर्स, मैंने आपको कॉर्नर्स का पहले ही बता दिया तो आई थिंक डोंट थिंक सो मुझे दोबारा बताने की जरूरत है। भाई वो साथ में लग रहा है कि भाई मेरा सर टच हो जाए अगला, भाई क्या ही है। तो कह रहा है आपको आज की ये धमाकेदार वीडियो में मज़ा आएगा, अगर मज़ा आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, चलो मेरे, टेक केयर एंड बाय।